उदाहरण 13, इनमें से कौन सी करणी है? 5 धन वर्गमूल 9 का घनमूल। हमें ज्ञात करना है कि तीसरा मूल 5 धन वर्गमूल 9। क्या यह करणी है या नहीं? इसके लिए हम पहले अंदर वाले करणी वर्गमूल 9 को हम हल करेंगे। तो तीसरा मूल 5 धन वर्गमूल 9 का मान 3 होता है, तो वर्गमूल 9 के जगह हमने 3 लिखा। चूंकि वर्गमूल 9 को हम वर्गमूल 9 को 3 × 3 के रूप में लिख सकते हैं, और वर्गमूल 3 × 3 बराबर 3 होता है, तो हमने वर्गमूल 9 के जगह में स्थान में हमने 3 लिखा। अब तीसरा मूल 5 × 3 = 8 होता है। यहाँ कहीं हम 8 को का गुणनखंड लिखेंगे, तो हमें तीसरा मूल 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 के रूप में बराबर तीसरा मूल 2 × 2 × 2 को हम घात में 2 का घात 3 लिख सकते हैं बराबर 2 का घात 3, और तीसरा मूल को कहीं हम घात में लिखेंगे तो ये 1/3 होता है। चूंकि नियमता m का मूल y का मान घाती रूप में y का घात 1/m होता है। आगे हम इसे अगले पृष्ठ में देखेंगे। हमें प्राप्त हुआ था 2 का घात 3 का घात 1/3। अब जब हम यहाँ पे घात का नियम लगाएंगे तो 2 का घात 3 × 1/3 होगा, क्योंकि हम घातांक में यह नियम जानते हैं कि 1 m/n = m/n होता है बराबर। यहाँ पे अंश का 3 और 1/3 का हर 3 जो है कट जाएगा, कटने के पश्चात हमें 2 का घात 1 प्राप्त होगा, जिसे हम 2 के घात को 2 लिखेंगे। चूंकि तीसरा मूल 5 धन वर्गमूल 9 बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ है, जो कि एक परिमेय संख्या है, अतः यह करणी नहीं है। यह इस उदाहरण का हल होगा। दूसरा, वर्गमूल 3 का वर्गमूल। हमें ज्ञात करना है कि वर्गमूल 3 क्या यह करणी है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम वर्गमूल लिखने के बाद पहला वाला वर्गमूल लिखा और अंदर वाले वर्गमूल 3 को हम 3 का घात 1/2 के रूप में लिखेंगे। चूंकि
हमें मालूम है कि वर्गमूल तीन को घाती रूप में हम तीन का घात एक बटा दो के रूप में लिखते हैं। इसीलिए यह वर्गमूल तीन जो कि अंदर है उसको हमने तीन का घात एक बटा दो के रूप में लिखा। पुनः हम वर्गमूल को घाती रूप में लिखेंगे तो यह बनेगा तीन का घात एक बटा दो का घात एक बटा दो। इसके बाद देखेंगे तीन घातांक में घाती नियम को जब हम इसमें लगाएंगे तो घात आपस में गुणा हो जाएंगे एक बटा दो गुणित एक बटा दो। चूँकि हमें मालूम है कि ए का घात m का घात n बराबर ए का घात m गुणित n होता है बराबर तीन का घात एक गुणित एक एक बटा दो गुणित दो चार। तो हमें प्राप्त हुआ तीन का घात एक बटा चार, जिसे हम करणी में लिखेंगे तो यह बनेगा चौथा मूल तीन का, चौथा मूल तीन का। चूंकि वर्गमूल का वर्गमूल तीन बराबर चौथा मूल तीन है, अतः यह करणी है। पुनः देखते हैं, चूंकि दिया हुआ प्रश्न वर्गमूल का वर्गमूल तीन बराबर हमें प्राप्त हुआ है चौथा मूल तीन जो कि एक करणी है, अतः यह करणी है। यह इस उदाहरण का हल है।